दादरी जिले के गांव दातोली का वीर सपूत लांस नायक श्री भगवान देश की सेवा करते हुए शहीद हो गया। शहीद लांस नायक श्री भगवान मणिपुर में तैनात थे, जहां पर रोड बनाने का कार्य चल रहा था, जहां पर स्लाइडिंग होने की वजह से गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 26 सितंबर वीर गति को प्राप्त हो गए। लांस नायक शहीद श्री भगवान 2009 में सेना में भर्ती हुए। शहीद श्री भगवान के दो बच्चे हैं जो अभी छोटे हैं। लांस नायक श्री भगवान के शहीद होने की खबर सुनते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। शहीद लांस नायक श्री भगवान का पार्थिव शरीर लेकर सेना के जवान गांव में पहुंचे, जहां पर गांव के युवाओं द्वारा शहीद श्री भगवान अमर रहे के नारे लगाए गए। शहीद लांस नायक श्री भगवान को सेना के जवानों व स्थानीय पुलिस जवानों द्वारा तोपों की सलामी दी गई। इस अवसर पर चरखी दादरी तहसीलदार अजय कुमार ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीद श्री भगवान के 7 वर्षीय पुत्र ने मुखाग्नि दी। लांस नायक श्री भगवान के बड़े भाई धर्मेंद्र ने बताया कि शहीद श्री भगवान में देशभक्ति की भावना बचपन से ही कूट कूट कर भरी हुई थी। इस अवसर पर पुलिस प्रशासन व सभी लोग मौजूद रहे। पेश है हरियाणा से उमेश सत साहेब की खास रिपोर्ट। श्री भगवान सिंह जो लेसनायक थे और शहीद हुए हैं, तो आज 26 तारीख को हुए थे, आज उनको श्रद्धांजलि दी गई 29 तारीख। तो किस तरह क्या हुआ? ये स्लाइडिंग हुआ था, गाड़ी ड्राइवर थे और स्लाइडिंग के अंदर गाड़ी आ गई। किस काम के लिए जा रहे थे तभी ये हादसा हुआ? गाड़ी सरकारी मार्ग से चलते रहती है, अचानक से ट्राला ले जाते वक्त ये अपना उसमें ट्राले में ये पोकलैन लोड थी और टर्न था, टर्न के कारण और ज़्यादा बारिश के कारण लैंड मतलब पलटी हो गया ट्राला, इस कारण ये हादसा हुआ। कहाँ से गिरी खाई में? गिरी खाई करीबन 30-40 फुट थे। कहाँ से कार्य किया जा रहा है? अखरोल जगह है इम्फाल में, मणिपुर में, डिस्ट्रिक्ट अखरोल। रोड बनाने का कार्य जारी था या रोड को खोलने का कार्य? रोड बनाने का। तो जब खाई में गिरी है तो उसके साथ भी कोई और भी व्यक्ति थे? हाँ, एक बंदा और था जो हमारा ऑपरेटर, वो थोड़ा घायल हुआ। ये तो, सब और इनके साथ और कोई नहीं था? नहीं, और नहीं थे, दो बंदे थे। तो गाड़ी में क्या था सर ऐसा जो कि इतना हादसा हुआ? उसमें पोकलैन लोड थी, 200 बोलते हैं, इस कारण। नाम? सुनीत कुमार। पद कितना? एमटी ड्राइवर। 27 जून 2009 को इसमें भर्ती हुआ था और अब दिसंबर में ले से पास आउट होकर जनवरी में मणिपुर में ज्वाइन किया था। इनकी शादी 2012 में हुई थी। ये इनके दो बच्चे, एक बच्ची है अंजलि नाम है और बच्चा आयुष है जी। तो अभी इनके जो दादा दादी हैं वो? इनके दादा दादी नहीं हैं, इनके बड़ा भाई मैं हूँ और एक दो बहनें हैं मेरी जी। तो अभी आप इनके साथ ही रह रहे थे या अलग रह रहे थे? मैं अलग रह रहे थे। तो अभी जो परिवार है उसका नहीं, वैसे हम वैसे नहीं इकट्ठे थे, फिर रहे अलग अलग रहे थे जी। हमारा कोई बंटवारा नहीं हुआ था, ये यहाँ रहे थे, मैं वहाँ चिड़ावा रह रहा था जी। तो भाई का जैसे छुट्टी आता था तो उसको कोई बातचीत होती थी? नहीं, लगभग डेली बात होती थी, छुट्टियों में तो छुट्टी आते थे, वहाँ जाते थे, मेरे पास चिड़ाव रुकते थे कि मैं भी यहाँ आता था जी। लास्ट टाइम कब बात हुई थी? लास्ट टाइम 20 तारीख को, 20 सितंबर को, पिछले घंटे को। क्या कुछ उन्होंने बताया था? बस ये नॉर्मल घरेलू बातें हो रही थी। तो जो हादसे की जो सूचना मिली आपको किस टाइम में? वो परसों 26-27 को सुबह 7 बजे मिली जी। तो क्या कुछ आप लोगों को बताया गया था कि क्या ये बताया था कि वहाँ पर गाड़ी नाले में गई, एक्सीडेंट हो गया, ऑन स्पॉट ही खत्म हो गई। तो जैसे बिल्कुल फौज के लिए तैयारी करते शुरुआत से ही। मेरा नाम धर्मेंद्र है। बड़े भाई आप और जो आपकी बहनें हैं वो बड़ी ही छोटी? एक मेरे से बड़ी है, एक मेरे से छोटी है, वो सबसे छोटा है। ये सबसे छोटा? सबसे छोटा है। जब मेरी माँ एक्सपायर हुई तभी 6 महीने का था। ठीक, यह माहौल था, बड़ों आदमियों कैसी बात करते हैं। तो आप लोगों की बात होती रहती होगी, किस बारे में ज़्यादातर वो बातचीत करते थे? क्या गांव में रहने के बारे में, परिवार के बारे में कोई बातचीत होती थी आपकी? Thank you.